हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन। मैं डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी ICAR NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे जो है उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने। सबसे पहले तो दोस्तों बता दें कि आज के वीडियो में जो है हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ICAR NET की प्रिपरेशन कैसे करें और उसके लिए जो है क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और उसके लिए 5 टिप्स दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर पॉइंट को ध्यान से सुने, ठीक है। दोस्तों आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड UGC NET, ICAR NET। सो दोस्तों आज जो है आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे जो है आप ICAR NET की प्रिपरेशन करो तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी कर चुका होगा ICAR NET। अभी जो है दिसंबर 2019 का जो है ये एग्जाम ICAR NET का होने जा रहा है। तो जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट होना मतलब होने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप ICAR NET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए जो है आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है बेल आइकन पे यदि आप प्रेस कर देते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ICAR NET आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ICAR NET जानते ही नहीं होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि जानते होंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखें। आगे जो है आपको मैं टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो भी आप कैसे जो है प्रिपरेशन करोगे तो आप ICAR NET क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ICAR NET है क्या। तो ICAR की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको जो है SRB NET के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि SRB NET के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। और कुछ लोग इसी को जो है एग्रीकल्चर नेट बोलते हैं या फिर ARS NET बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इसको आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो इसमें दिया रहता है ICAR NET या फिर SRB NET, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप ICAR NET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये मतलब जानना होगा कि आखिर जो है क्या क्या किन किन बातों का हम ध्यान रखें और कैसे जो है प्रिपरेशन करें। तो पहले पॉइंट की यदि बात करें दोस्तों, तो जो पहले टिप्स की बात करें, पांच टिप्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें जो है फर्स्ट जो टिप है टिप्स की यदि बात करें तो पहली चीज़ तो आपका जो है एक स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। जो भी आप ICAR NET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा कि अभी जो है केवल आपको पता है कि केवल 1.5 महीने आपके पास हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो 1.5 महीनों में आप कैसे जो प्रिपरेशन कर सकते हो, 1.5 महीने मतलब कि 45 डेज आपके पास हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी कि पूरा आपका सिलेबस है, सपोज करो 10 यूनिट जो है आपके पूरे सिलेबस में है तो उस 10 यूनिट को जो है आप कैसे 45 डेज में जो है फिनिश करोगे, ठीक है। तो डेली का एक जो है आप टाइम शेड्यूल बनाओ। हो सकता है कि आपको जो है 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चूंकि आपके पास अब 45 डेज ही हैं उसी में आपको सब कुछ करना है तो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे 45 डेज में करना है, सपोज करो जैसे मैंने बताया कि आपके पास सपोज करो ये 10 यूनिट है, ठीक है। 10 यूनिट को आप कैसे फिनिश कर सकते हो विद इन 45 डेज। तो अब जैसे 5 डेज भी यदि आप करो तो कितना होता है आपके पास जो है मतलब 9 यूनिट आप जो है कवर कर पाओगे यदि 5 डेज देते हो तो, मतलब 3 डेज देखा जाए तो आप 3 डेज में आपको जो है एटलीस्ट 1 यूनिट फिनिश करना होगा, ठीक है। देन 30 डेज में जो है आप इजिली जो है अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे और 15 डेज जो बचता है उसमें जो है आगे आपको क्या करना है उस पर मैं फोकस करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए जो है कुछ ये पॉइंट्स जो मैं नोट करके लाया हूँ। दूसरे यदि टिप्स की बात करें तो दोस्तों पूरा सिलेबस आपको जो है कवर करना होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ पोर्शन को, जैसे मैंने बताया कि आप जो है थ्री डेज में आप एक यूनिट फिनिश कर सकते हो। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक या दो यूनिट ये पूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा मत किया करो, हो सकता है कि उसी में से जो है ज़्यादा क्वेश्चन कभी जो है पुट अप कर दिए जाए, ठीक है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आप पूरे सिलेबस को जो है फिनिश करके जाओ, ठीक है। अब थर्ड यदि हम लोग टिप्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको जो है बहुत ही आपको डीप में अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको आप
सबसे पहले तो आप बुक में, यदि आप सपोज करो आपके पास यदि मैटर बुक में अवेलेबल है तो बुक से आप देखो, बुक से चाहो तो उसको नोट बना सकते हो, नोट बनाओ, लेकिन आपके पास चूंकि अब बहुत कम टाइम है तो अब आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसी जो भी बुक है आपके पास उसमें अंडरलाइन कर सकते हो तो अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। जैसा भी लगता है आपको कि ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस पर उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, जिससे कि रिविजन के टाइम पर आपके आपको जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। ऐसी गलतियां हम लोग जनरली करते हैं कि जैसे पढ़ते जाते हैं बट उस पर जो है कोई मार्क नहीं करते हैं, ना तो उस पर जो है कोई हाईलाइट करते हैं, जिससे कि रिवीजन के टाइम पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी आपकी बुक बहुत होगी, गंदी होगी, बट ये है कि उसको आप यदि हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, तो इन फ्यूचर आपको जो है रिवाइज करते वक्त जो है काफ़ी आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है यदि हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ जो पॉइंट है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सपोज करो कि बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया, लेकिन उसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपको लगता है कि ये तो मेरा टॉपिक कवर है और ये इजिली मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब आप उसको करने जाते हो उस क्वेश्चन को तो आप कन्फ्यूज करते हो क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो आपको एग्जाम टाइम में जब कुछ दिन एग्जाम रह जाता है, जो मैंने बताया कि जैसे 45 डेज में आपको प्रिपरेशन कर दी है, तो 30 डेज आपने जो है यदि पूरा प्रिपरेशन पे दिया तो बाकी 15 डेज आपके पास है, आप रिवाइज करो पूरे सिलेबस को, और साथ ही साथ जो है और भी जो है आगे मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आगे फिर क्या करना है। और दोस्तों फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले थे लास्ट जो फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें क्या करना है आपको कि पेपर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, लेकिन आईसीआर नेट के साथ जब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आईसीआर नेट का पेपर जो है आपको मिलता नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के यदि पेपर्स की बात करें हम लोग तो आईसीआर नेट में जो है आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे जो मास्टर डिग्री के लिए जो है, मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए या फिर पीएचडी के लिए जो एडमिशन के लिए जो है एग्ज़ाम होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या फिर आईसीआर जो है जेआरएफ के लिए या फिर एसआरएफ के लिए जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है, या पीएचडी के लिए कहीं का भी किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी इंस्टीट्यूट का जो एग्रीकल्चर के लिए जो टेस्ट होता है आपके सब्जेक्ट में, उस पेपर्स को आप किसी तरह से भी आपको मिल जाता है तो उन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करो, ठीक है। अब दोस्तों पेपर भी सॉल्व करने में एक सबसे जो जरूरी बात है वो आपको मैं बताता हूँ, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने सपोज करो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, अब जैसे मान लो आपने पढ़ा कि गेहूं में जो है कौन सा डिजीज लगता है, ठीक है, अब सपोज करो चार ऑप्शन उसमें दिया है और डिजीज का नाम दिया है, अलग अलग डिजीज का नाम दिया है, तो उसमें से चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा जो कि गेहूं में जो है वो डिजीज लगता है, ठीक है। तो दोस्तों बाकी जो तीन ऑप्शन है हम लोग क्या करते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, केवल जो है उस डिजीज के बारे में पढ़ लेंगे और बाकी जो है डिजीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, या बाकी जो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप ऐसा करो कि पहले तो जैसे जो उसका ऑप्शन सही ऑप्शन है वो तो ठीक है, आपने टिक कर दिया, उसके बारे में पढ़ो कि आखिर होता क्या है, उसमें कौन कौन से उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है, कि यही डिजीज इसमें लगा है, फिर उसके लिए जो है कौन सा वायरस या फिर कौन सा माइक्रोब जो है रिस्पॉन्सिबल है जो कि जिससे कि वो डिजीज जो है कॉज हुआ, ठीक है। और तो इस तरह के दोस्तों, और इसके कारण मतलब जो है कौन सा पार्ट जो है इफेक्ट होता है प्लांट का, तो अब जैसे एक डिजीज के बारे में मैंने बताया, वैसे ही जो है अदर जो ऑप्शन में जो डिजीज के नाम दिए हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ो, बिकॉज सपोज करो इस बार पूछा था गेहूं से रिलेटेड डिजीज के बारे में, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि किसी अदर जो है क्रॉप से रिलेटेड पूछ दे, ठीक है, और उसमें जो डिजीज लगता हो तो उसके बारे में यदि आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप करेगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा तो मैंने केवल एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके बताया, वैसे आप जो भी कहीं से भी पेपर मिलता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन को आप जो है पढ़ो अच्छे से और पूरा डीप में पढ़ो, क्योंकि अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली जो है उस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों इस तरह के वीडियोस अक्सर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है ये अपलोड करता रहता हूँ, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वगैरह के बारे में, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, या फिर एमफिल नेट पीएचडी से रिलेटेड जो है कहीं
कोई फॉर्म आता है या फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर जैसे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे आप कर सकते हो प्रिपरेशन जो है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों और भी यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप चाहो तो कमेंट में जो है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सर आप वीडियो बनाएं, तो कोशिश करूंगा कि उस पर जो है यदि पॉसिबल होगा तो मैं उस पर उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मिलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के साथ जो है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।